फाइनली दोस्तों अपना जो टाइम हो रहा है दोस्तों तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और अभी आपको मैं बताता हूँ पूरा कारोबार कितना हुआ है दोस्तों। ये देखिए तकरीबन 8:30 हो गए दोस्तों, अभी आपको मैं बता दूँ भैया तकरीबन 10 मिनट हो गए भैया, अभी तक सवारी नहीं आई। ऐसे टाइम के लिए मेरे को गाना आ रहा, आजा आजा मैं प्यार तेरा वल्ला वल्ला इंतजार तेरा। और ये है दोस्तों अपनी गाड़ी, तकरीबन एक दिन की छुट्टी के बाद संडे को गया था दोस्तों काम को, और जो भी दस्तश्रे का था सब कुछ करने के बाद दोस्तों ऐसे अभी गाड़ी दिख रही है, अब इसको भी वॉश कराने का है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सामने का डर भी है, ये भी फ्लैट हो गया दोस्तों, मतलब यहाँ पर ही मारा होना लगे हुए, इसको गड्ढे नहीं आया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। तो तीन डरों में से दोस्तों दो डर चले गए थे, और गाड़ी दोस्तों सुबह में गैस दिलाया था दोस्तों 300 रुपये का, और वो रेड लाइट आ चुकी है, तकरीबन कारोबार 1600 रुपये का कारोबार करने के बाद रेड लाइट आ चुकी है दोस्तों। अभी अपने को कस्टमर को लेते हुए जाके गैस भी दिलाने का दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आटो राजकुमार, तो कैसे आप आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए अच्छा कारोबार शुरू करते हैं, और आज का दिन है दोस्तों सोमवार का, और कल मैं कारोबार गया था दोस्तों, और कल तो कारोबार जबरदस्त था। तो अभी जो है दोस्तों स्कूल ओपन हो चुके हैं, और जो जो गाँव को गए थे दोस्तों सब लोग सिटी में अभी एंटर हो रहे हैं, तो कारोबार अपने को अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो कल मेरे एक टायर को प्रॉब्लम आया था दोस्तों, आपको एक बताता हूँ मैं जरा। ये देखिए दोस्तों, ये जो डर है दोस्तों वही गाड़ी का है, ये मतलब ये ट्यूब का डर है दोस्तों, ट्यूबलेस का नहीं होता। तो मेरे को जो डर था दोस्तों ये गाड़ी का, वहाँ पे पूरे फुग्गे आ गए थे दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे फुग्गे पूरे फुल गए थे दोस्तों, और गाड़ी जम कर रही थी, और एक कंकर पे चलाने की वजह से होता दोस्तों, पत्थर का मार कुछ लगता है तो ऐसे यहाँ पे गड्ढे आ जाते हैं, गड्ढे हो रहे थे। तो ये टायर लगा चुका हूँ सबको दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ कारोबार को। तकरीबन दोस्तों अभी जो हो रहे हैं दोस्तों, अभी टाइम जो हो रहा है दोस्तों 11 बज रहे हैं, तो मैं 10 बजे निकला था, थोड़े काम थे, विलो में ग्रीस मार चुका हूँ, तकरीबन 8 दिन हो गए थे दोस्तों, और विलो में ग्रीस मारने के बाद दोस्तों विलो में मार दिया। अभी बज रहे हैं दोस्तों 11, आपको दिख भी रहा होगा 11 बज रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अभी कारोबार शुरू करते हैं, और कल का कारोबार दोस्तों तकरीबन मैंने सेम टाइम पे निकला था, तकरीबन 2000 तो कर लिए दोस्तों मैंने तो कल, मतलब 7 बजे तक, मतलब 8 घंटे में दोस्तों 2000 कंप्लीट कर लिए मैंने। और इसका आपको मैं, और रैपिडो भी ऑन कर दिया दोस्तों, रैपिडो भी ऑन हो गया, ये मेरे पास दो ही है दोस्तों, उबर और ये की रैपिडो और एक नम्मा यात्री बोल के दोस्तों। अभी आ रही है दोस्तों तकरीबन हिमायतनगर की दोस्तों 200 रुपये है, हिमायतनगर को 200 रुपये दे रहा है दोस्तों, और भैया सवारा तो वो जबरदस्त मिल रहा है आज, सिकंदराबाद को 200 तकरीबन 250-250 रुपये मिल रहे दोस्तों। अभी मैं उबर पे ले चुका हूँ दोस्तों, अभी जाना है तालागड्डा, कस्टमर का नाम है श्रावणी दोस्तों, ये देखिए श्रावणी, तो जाके पिकअप करना है दोस्तों, इनको जाना है हिमायतनगर के पास, 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो चलिए पिकअप करते हैं। श्रावणी 6306। तो फाइनली दोस्तों अपने पहली राइड कंप्लीट कर ली है, और तकरीबन देखिए 205 के बिल आया दोस्तों, ये देखिए, और यहाँ टागिस के बाद छोड़ा दोस्तों, ये देखिए ये है देवी टागिस, और अभी पिक्चर चल रही है दोस्तों देवरा की, और इसको क्लोज करते हैं। चलिए दोस्तों अपने को दूसरी सवारी मिल चुकी है दोस्तों, RTC क्रॉस रोड के पास हूँ मैं, और यहाँ से पिक करने का जनप्रिया से कस्टमर का नाम है दोस्तों, एक मिनट TVS का थे, अभी TVS कैसा नाम है नेवालों में, जाके पिकअप कर देगा, और जैनपुर लेके जा रहा हूँ दोस्तों शेरली गंबली के पास, तकरीबन अमाउंट कितना मिलता है देखते हैं, चलिए पिक करते हैं इनको। तो फाइनली दोस्तों अपन लोकेशन के पास आ गए, और ये देखिए लोकेशन ये है दोस्तों, सामने दिख रहा है आपको जनप्रिया के पास का, आ गया दोस्तों, अभी कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ मैं। हेलो
हेलो मैडम उबर आटो। हाँ अच्छी बोलिए। तो कस्टमर को ड्रॉप कर दिया साहब अपन। कस्टमर ये बिल्डिंग के अंदर गया है देखो, और ये SBI का नए जो जॉबा निकलते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, जो नए ऑफिसर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का ये गच्ची बोली के पास है दोस्तों। ये पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पे क्वार्टर्स भी है दोस्तों। ये कोई अगर बैंक की जॉब चाहता है तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और अपने गच्ची बोली के पास ये है दोस्तों। ये और ये है दोस्तों अपनी गाड़ी। तकरीबन एक दिन की छुट्टी के बाद संडे भी गया था दोस्तों काम को, और जो भी दशहरे का था सब कुछ करने के बाद दोस्तों ऐसे अभी गाड़ी दिख रही है। अब इसको भी वॉश कराने का है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सामने का डर भी है, ये भी फ्लैट हो गया दोस्तों, मतलब ये देखिए यहाँ पर भी मारा वाला लगे हुए, और इसको गड्ढे नहीं आया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। तो तीन टेरों में से दोस्तों दो टेरा चले गए हुए, और गाड़ी शेक हो रही है दोस्तों, वाइब्रेशन दे रही है जरा। अच्छा डर आपको यहाँ का बताता हूँ, देखिए ये एक अच्छा डर है देखो दोस्तों, इसमें अभी भी ग्रिप है, लबर है, मतलब मोटा है, और ये सब पतले हो गए दोस्तों। ये यहाँ पर भी फ्लैट हो गया है, और ये वाला भी फ्लैट हो गया दोस्तों। ये देखिए ये डर भी, ये स्टेपनी लगा है दोस्तों मैं ये, और इसका वाइब्रेशन बिगड़ रहा है। और ये कस्टमर जो है जरा दोस्तों शांत था, गड़बड़ नहीं कर रहा अपने को, तो इसको 5 स्टार दे देते हैं। और अभी आपको मैं बताता हूँ मेरे को उबर वाले ने कितने दिए। साले छोटे आ रहे दोस्तों जब से, देखो 325 रुपये दोस्तों, देखिए 550 रुपये तो हो ही गए दोस्तों अभी तक। और लास्ट सवारी जो थी दोस्तों तकरीबन 325 रुपये दे रहा है ये देखिए। तकरीबन मैंने चलाया दोस्तों किलोमीटर कितने चलाए भी दिखाता हूँ आपको, तो तकरीबन दोस्तों 23 किलोमीटर है ये देखिए। और ये मिल रही है दोस्तों माधापुर को। तो साहब अभी एक सवारी मिली साहब रैपिडो में, अभी आपको बताता हूं मैं। तो गच्ची बोली के पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और वहां पे लोकेशन है, ये कस्टमर की लोकेशन है साहब। और कस्टमर का नाम है मेराज कदे, ये देखिए मेराज कदे दोस्तों कस्टमर का नाम है, और उनको पिकअप करने का है। और आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी बताता हूँ दोस्तों, देखिए ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस है ये। जो भी अगर स्टडी करना चाहते हैं हैदराबाद में आके, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, ये गच्ची बोली की तरफ है ये, तो आप देखिए। तो भाई अपने को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला, और कस्टमर खुद गेट के पास आ रहे थे, और लग रहे ये तकरीबन इधर के ही लग रहे जरा, इनका पूरा नाम नहीं मालूम, मेराज है कहते मेराज। तो बाहर जाना पड़ेगा दोस्तों मुझे, और बाहर से पिकअप करना पड़ेगा उनको जाके। तो चलिए, अरे क्या है जी अम्मा, तुम्हारे को वहां पर वेट कर रहा था, तुम यहाँ पर कर रहे हैं, बोला ना गाड़ी नंबर। तो फाइनली दोस्तों अपन लाए कस्टमर को, और ये देखिए हैदराबाद पब्लिक स्कूल का है दोस्तों, और इसकी ये देखिए जा रहे हैं मैडम जा रहे। और तकरीबन दोस्तों इसकी जो फीस है कहते दोस्तों नर्सरी की फीस ही दोस्तों तकरीबन बोले सुने तो कहना आपके फटियाती बोलता हूँ मैं तो, तकरीबन 1 लाख रुपए कहते दोस्तों नर्सरी की फीस 1 लाख रुपए कहते। मैं पूछा मैडम को क्या VIP कल्चर है क्या, बड़े बड़े लोग पढ़े सो क्या, तो जगन भी गया बड़े पढ़ के गया सो है, तो उसके हाथ से पूछा मैं, तो ऐसा नहीं आजकल तो मिनिमम है कहते। और एक खुद मैडम गए कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर भी अपने बच्चों को गई प्राइवेट में सिखा रहे, और ये जॉब गए कि गच्ची बोली में करती है और बच्चों को यहाँ पे डाले। तो दोस्तों गच्ची बोली से लेके आया मैं देखें बड़े को, देखो ये कहे कि मैडम काबिल है और इसको कम्प्लीट करते हैं। चलिए पैसे भी ले लिए अपन तकरीबन दोस्तों 5 स्टार भी बात नहीं करी दोस्तों, उसके बाद से मेरे गुस्सा आ रहा, मैं इससे बात करने वाला था, बात करेंगे बोल के, पर वो हो नहीं सका दोस्तों। ये भी आ रही राजदुर्गम मेट्रो हुसैन सार पार्टी गड्ढा, मेरे को यहाँ पे जाने का नहीं है भैया, जाने का नहीं है। तो ज़्यादा सवारी के वास्ते टाइम खराब हो जाएगा, छोटी सवारी मारूंगा तो जल्दी जल्दी पैसे कवर हो जाएंगे बोल के, ऐसा नहीं दोस्तों ज़्यादा सवारी मारते बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, उनको पिकअप ड्रॉप करने में ना अपना खून जल जाता,
तो अच्छी मारो, बड़ी भी मारो, टाइम बचाओ, जितना टाइम बचाओगे दोस्तों, भले ही 100 रुपए का गैस एक्स्ट्रा डालना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, पर टेंशन मत लो, 300 की जगह पे 400 रुपए का गैस डालो, कोई टेंशन मत लो, टाइम बचा लो, जल्दी टाइम बचाओ दोस्तों और कारोबार करो। टाइम रहेगा तो कारोबार कर सोगे, अगर टाइम ही नहीं रहेगा तो क्या कारोबार करोगे दोस्तों। तो अभी जरा एक सवारी, अभी 1500 रुपए करके जरा खा, उसके बाद दोस्तों जरा खाना खाने को जाते हैं जरा। तो साहब आपको ओवर में दिख रहा होगा, ये धब्बे धब्बे दिख रहे होंगे आपको, ये संतरे कलर के, ये एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ये डिमांड का एरिया है। अभी डिमांड का एरिया कहाँ कहाँ पर है बोलते दोस्तों, देखिए हिमायतनगर के पास, हयातनगर हयातनगर के पास, और ये ओपल बोरुपल के पास, ये काफरा के पास, ये मलकाजीर के पास, ये डिमांडिंग एरिया है। और ये कहाँ दोस्तों, मेट्रो घोड़ा ले लेते हैं दोस्तों सवारी, टाइम अपने ख़राब करने का नहीं है, तो बता रहा था दोस्तों आपको मैं। तो ये डिमांड एरिया में दोस्तों आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और बुकिंग भी ज़्यादा मिलेंगी दोस्तों, आप चूज भी कर सकते हो। तो अभी मैं आया हूँ दोस्तों, टाइम खराब करने का नहीं है, आपने को एक घंटे में और 400 रुपये कमा लूँगा तो पूरा बिजनेस याद में आ जाएगा दोस्तों। अभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सामने का जो गोडाउन जैसा दिख रहा है आपको, ये जो आपको दीवार दिख रही है दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, अल्लू अर्जुन का ये एक क्या बोलते हैं स्टूडियो दोस्तों, ये देखिए स्टूडियो बना रहा है, ये कोका पेड़ की तरफ है दोस्तों, ये बहुत बड़ी जगह है, ये देखिए, और ये पूरी जगह दिख रही दोस्तों, बाजू वाला भी, ये देखिए बाजू वाला भी, दो बड़े स्टूडियो बना रहा है दोस्तों, ये पूरी बहुत बड़ी जगह है दोस्तों, तकरीबन 5 एकड़ तो होगी दोस्तों ये, और ये अल्लू अर्जुन का है दोस्तों ये, तो फाइनली दोस्तों अपने कस्टमर छोड़ दिया है कस्टमर को, और ट्रिप भी कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन दोस्तों, 25 किलोमीटर को तकरीबन 350 रुपए दिए दोस्तों, और मेट्रो उड़े की तरफ आया हूँ दोस्तों पूरा ये कॉलोनी में, और ड्रॉप किया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ड्रॉप किया है दोस्तों। तो अभी इस ट्रिप को कंप्लीट करते हैं और खाना खाने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो अभी खाना खाने का टाइम है दोस्तों, तकरीबन 4:20 हो रहे हैं दोस्तों, और तकरीबन अपन ने, एक मिनट बताता हूँ आपको मैं, रैपिडो में तकरीबन, तो तकरीबन 1600 रुपये दोस्तों, 1600 रुपये कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अभी खाना खाने का टाइम है दोस्तों, और भूख तो ज़बरदस्त लग रही है मुझे, तो अभी यहाँ पे होटल कोसा है, उड़पी होटल जाऊँ या नॉर्मल होटल, क्या खाऊँ अभी आज डिसाइड करने का है दोस्तों मुझे। तो अभी ज़रा कारोबार बता देता हूँ साहब, भोजन ने ज़रा कॉमेंट में एक लिखा था कि झूठ बता रहे पूरा पेमेंट नहीं बता रहे बोल के, तो अभी एक पेमेंट बता रहा हूँ साहब आपको मैं, देखिए ये है दोस्तों उबर का है, ये 900 रुपये, अभी आपको बताता हूँ मैं रैपिडो का। तो अभी आप रैपिडो में देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों रैपिडो में तकरीबन 607 रुपये दोस्तों, तो कितने हुए दोस्तों, 1500 रुपये तो हो ही गए मेरे अभी तक। तो अकेला कमेंट करा था दोस्तों, पेमेंट सही में बता रहे, फेक बता रहे बोल के, ये उसके लिए है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आया हूँ दोस्तों उड़पी होटल के पास, ये देखिए ऑथेंटिक सम्मान वेज, तो इस पर जाके जरा खाना खाते हैं, जरा देखते हैं दोस्तों अपने खाने को क्या मिलेगा जरा। मिल से आना, मिल से क्या है, जीरा राइस है, क्या है, वेज बिरयानी है, कोसा राइस, एक प्लेट पराठा और एक
इडली वड़ा, इडली वड़ा का। तो भाई खाना वाना खा लिए, आप देखे भी होंगे तो क्या ये उसको बोलते हैं साउथ का उड़पी होटल बोलते हैं दोस्तों। और भंडी से तो अच्छा क्वालिटी में तो अच्छा रहता ही है और आप देखते होंगे सिस्टमेटिक क्लीन और मस्त रहता है। पराठा और इडली वड़ा खा लेंगे, पेट मस्त हो गया दोस्तों, कारोबार भी। और अब तकरीबन तो बज रहे हैं दोस्तों 5, आराम कर लेंगे, उठा मैं अभी आधा घंटा एक आराम कर लिया तकरीबन। देखा होगा आपने कारोबार तो ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों। जो बाहर गए थे लोग, जो गाँव गए थे और स्कूल अभी खुल चुके हैं तो कारोबार का कोई टेंशन दिख रहा है नहीं अभी तक तो। कारोबार आज का तो ज़बरदस्त दिख रहा है मेरे को, अपनी टारगेट से भी ज़्यादा करते हुए ऐसा लग रहा। और अपन एक कोई तो एक कस्टमर मिले दोस्तों से फनी एक बात मजाक मस्ती करने के वास्ते दिल कर रहा है ज़रा, कोई तो ऐसा कस्टमर मिले मैं ढूंढ रहा हूँ दोस्तों। सब लोग यहाँ सीरियस 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 ही मिल रहे, पूरे आंटियाँ मिल रहे, पूरे कोई पुट्टा नहीं मिल रहा, कोई पुट्टियाँ नहीं मिल रहे, पूरे आंटियाँ मिल रहे दोस्तों। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों ज़रा उनसे बात करने की, पर वैसा माहौल नहीं मिल रहा, लोग नहीं मिल रहे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको नए नए लोगों से कस्टमर से मिलाऊँ, ज़रा मजाक मस्ती करूँ। तो चलो दोस्तों फिर कारोबार पर लगता हूँ, फिर आपको मैं शाम में पूरा कारोबार कितना हुआ है क्या हुआ है और बताता हूँ। पेट तो भरे हुआ है दोस्तों ज़बरदस्त। जो लोग नए यहाँ के नहीं हैं, जो लोग बाहर के दोस्तों उनके वास्ते बता रहा हूँ, तो खाना अपने पास साउथ में नंबर वन है, बिरयानी में हो या वेजिटेरियन में हो, हर किसी में हो ज़बरदस्त रहता अपने पास खाना। नॉर्थ इंडियन वाले ये खाना तरस जाते भाई, मैं भी ज़्यादा तरस जाता। तो चलो कारोबार पे लगते हैं फिर। तो अपने को कस्टमर मिल चुका है दोस्तों और अपन जा रहे हैं रैपिडो में लेके, और वो भी अरगडा सुरेंद्र के पास। और तकरीबन दोस्तों 13 किलोमीटर 300 रुपये दे रहा है दोस्तों। तो चलिए आज तो पैसे की बारिश होने वाला है दोस्तों, पैसे की बारिश। दोस्तों सुबह में गैस जलाया था दोस्तों 300 रुपये का और वो रेड लाइट आ चुकी है तकरीबन। कारोबार 1600 रुपये का कारोबार करने के बाद रेड लाइट आ चुकी है दोस्तों। अभी अपने को कस्टमर को लेते हुए जाके गैस भी दिलाने का दोस्तों। भाई शाम हो गया तो एक डर लग रहा भाई, एक क्यों बोल तो कैमरे की जो लाइट है ना तो खुला दिख जा रहा है कि रिकॉर्ड कर रहे बोल के कस्टमरों को। पहले अगर कंप्लेंट कर दी है बोल तो पहले रेडियाँ नीचे आ जाते, फिर बुकिंग मिलने को प्रॉब्लम हो जाती भाई अपने को। तो आने वाली है कहाँ है कस्टमर, तो इसको मैसेज करता हूँ दोस्तों, ज़रा आजा भाई, ज़रा कौन है अनुसे आगते। चलो आ गया मैं क्लस्टर, तो कस्टमर पीछे है अपन आगे हैं, तो कैसा मिलते दोनों को, सामने सामने आना पड़ता तभी मिलन होता साहब, ये दोनों पीछे रहते अपन सामने रहते कैसा होता मिलन। अभी जा रहा हूँ कस्टमर के पास, मैडम भी ऐसी है सामने से ऑटो गया पहचान ही नहीं आ रहा इनको। अबा बाबा इतने जवान आदमी है, नंबर मारिंदे लोकेशन कूड़ा मारिंदे अकड़ा लोकेशन वस्तुंदे रंडे, कितने जवान है बा। सामान हुंदा आ भी लोगे चूपिस्तुंदे लोकेशन हो, ओटीपी मैडम 7460 अभी बाइक 200। गैस खत्म हो गया था, गैस डाल रहा हूँ जरा 200 रुपये का। सवारी सर ये कारोबार देख रहे साहब, रैपिडो में आप देख रहे साहब ये कारोबार जबरदस्त कारोबार शुरू हो गया भाई रैपिडो में और ऊबर में। ओला में तो हो ही गया होगा मेरे को तो नहीं पता, तकरीबन दोस्तों एक एक में कहेगी 50-100 रैपिडो में तो 50-100 एक्स्ट्रा दे रहा साहब, ज़बरदस्त कारोबार है। तकरीबन कोई अगर 1 बजे 1-2 1 बजे तक 12 बजे तक भी कर ले भाई
तो तकरीबन 4,500 का कारोबार पूरा ही छोरा ऐसा भी कारोबार आई है दोस्तों। तकरीबन देखो ना साहब पूरा कारोबार जबरदस्त चल रहा देखो। पर मेरे को जाने का है जरा मैं हेडिक सिटी या कुछ नानकराम गुड़ा ऐसी इस तरफ की सवार देख रहा हूँ मैं, या अपराध सिकंदराबाद की तरफ जाऊँगा तो और लेट हो जाएगा, बल्कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कारोबार तो जबरदस्त है भाई। तो फाइनली दोस्तों अपना जो टाइम हो रहा है दोस्तों तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और अभी आपको मैं बताता हूँ पूरा कारोबार कितना हुआ है दोस्तों। ये देखिए तकरीबन 8:30 हो रहे हैं दोस्तों, अभी आपको मैं बताता हूँ दोस्तों पूरा कारोबार अपना उबर में कितना हुआ है। सो तो दोस्तों अपना जो कारोबार हुआ है दोस्तों तकरीबन उबर में दोस्तों 900 रुपये हुआ है और ट्रिपल एट तो देख रहे हैं 900 रुपये पकड़ लीजिए। अभी आपको मैं बताता हूँ रैपिडो में कितना हुआ है दोस्तों। रैपिडो में तकरीबन 1300 रुपये दोस्तों। और दोस्तों मैंने बाहर से दो सवारियाँ कंप्लीट की थी दोस्तों, तो मैं पूरा तो वीडियो बना नहीं सकता दोस्तों, हर एक कस्टमर का तो बना ही सकता, अगर उसका बनाऊंगा तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर आप देखोगे नहीं, हर एक बारीक बारीक चीज़ अगर मैं बताते बैठूंगा तो होगा नहीं दोस्तों। तो रैपिडो में दोस्तों तकरीबन 1300 रुपये और उबर में जो दोस्तों 900 रुपये और बाहर से मैंने दोस्तों तकरीबन 2600 दोस्तों, वो भी तकरीबन 11 बजे मैं निकला था, तो 11 लगा लीजिए तो 9 घंटे में दोस्तों मैंने 2600 रुपये कंप्लीट कर लिए दोस्तों, सॉरी 2600 रुपये बोला, 2600 रुपये कंप्लीट कर लिए दोस्तों। और अभी भी आपको मैं गैस बताता हूँ दोस्तों, गैस भी देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों गैस अभी भी बचा है और मैं गैस कितना डाला हूँ आपको मैं बोलना भूल गया। तो गैस जो है दोस्तों तकरीबन मैंने सुबह में 300 रुपये का डाला था और 200 रुपये का आपको मैं बताया वीडियो में ही बताया, 200 रुपये का बाद में डला, तो अभी भी दोस्तों 400 रुपये खर्च हुए, 400 रुपये का गैस जल गया दोस्तों, 100 रुपये का गैस अभी भी बचे हुआ है। तो अपन 400 रुपये में 2600 रुपये का कारोबार करें दोस्तों और दिल खुश हो गया दोस्तों, कारोबार ही कारोबार हो रहा है आज का। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और कल मिलता हूँ दोस्तों आपको मैं, धन्यवाद।